Very, very good morning my dear students now i welcome you for the my next video i am dr Seema sharma so uh, in our previous videos of the chapter fuel we have completed the determination of calorific value first one was the bomb calorimeter second was the junker's calorimeter and third one was the ड्यूलोंग्स फॉर्मूला विच इज दी थियोरेटिकल मैथड अब तीनों फॉर्मूला को आपने कर लिया है नाउ इज दी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दैट मतलब आप इन फॉर्मूला को अप्लाई करके कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे सो so, हम वन बाय वन तीनों मैथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले है न्यूमेरिकल विच आर बेस्ड ऑन द बॉम कैलोरीमीटर so first of all read the question very carefully and then we have to answer it so the question is when a coal sample of 0 0.90 gram was burnt in bomb calorimeter the following data were obtained if the coal sample contains hydrogen 5% oxygen 6% now कैलकुलेट द हाई एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इन किलो कैलोरी पर किलोग्राम एंड कंडीशन इज इज्यूमिंग द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज फाइव फिफ्टी कैलोरी पर ग्राम मतलब क्या है कि एक कोल सैंपल लिया है उस कोल सैंपल का अमाउंट कितना है पॉइंट नाइन जीरो ग्राम देखिए ग्राम में है पहली बात क्लियर नाउ अब आपके पास में जो डेटा है वो क्या आएंगे नीचे मैंने लिखे हैं क्वेश्चन में हम देखेंगे हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको दिया हुआ है आपको हायर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कंडीशन क्या दी हुई है फाइव हंड्रेड फिफ्टी कैलोरी पर ग्राम क्या है आपके पास में लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ठीक है अब ऑब्जर्वेशन क्या आई है वेट ऑफ कोल सैम्पल बॉन्डेज पॉइंट नाइन जीरो ग्राम क्लियर है दूसरा वेट ऑफ वाटर टेकन इन कैलोरी मीटर विच इज ट्वेंटी थ्री हंड्रेड पॉइंट जीरो 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 ग्राम ओके वाटर इक्वेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर फाइव सिक्सटी पॉइंट जीरो 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 ग्राम तो वेट ऑफ कोल सैंपल हो गया आपके पास में वेट ऑफ वाटर हो गया और वाटर इक्वेलेंट हो गया ठीक है आफ्टर दैट राइज इन टेम्परेचर इज 2.480 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग करेक्शन 0.064 डिग्री सेंटीग्रेड फ्यूज वायर करेक्शन 10 कैलोरीज एंड एसिड करेक्शन 6 कैलोरीज ठीक है तो ये हमारे पास में डेटा आए हैं अब इन डेटा को लेकर आपको अपना क्वेश्चन का आंसर देना है दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू ठीक है अब बात यह आती है कि कैलोरीफिक वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है देन हाउ विल यू कैलकुलेट दिस कैलोरीफिक वैल्यू ठीक है अब कैसे करोगे आप ये देखो ये दिस इज दोल्यूशन फॉर्मूला है हमारे पास में कैपिटल डब्ल्यू प्लस मोल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड प्लस फ्यूज वायर करेक्शन एंड द होल इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ कोल सैंपल ठीक है तो अब इन सब की वैल्यू हमें चेक करनी है कि भाई हमारे पास में वैल्यू है कि नहीं है क्या है वैल्यू कैपिटल डब्ल्यू क्या है दिस इज दी वेट ऑफ द कोल सैंपल इट इज गिवन और कितना है ये हमारे पास में वैल्यू दिस वन दिस इज द कैपिटल डब्ल्यू फिर है फॉर्मूला में स्मोल डब्ल्यू स्मोल डब्ल्यू क्या है सॉरी मास ऑफ द कोल सैंपल सॉरी सॉरी एंड प्लीज देर इज अ करेक्शन मास ऑफ द कोल सैंपल इज नॉट कैपिटल डब्ल्यू दिस इज द वेट ऑफ वाटर टेकन इन कैलोरी मीटर दिस इज डब्ल्यू क्योंकि मास ऑफ द कोल सैंपल तो दिया ही हुआ है आपको नीचे फॉर्मूला में एंड द वैल्यू इज दिस पॉइंट नाइन डबल जीरो एक्स जिसको हमने एज्यूम किया था हमारे फॉर्मूला में उसके बाद में वेट ऑफ वाटर ये है कैपिटल डब्ल्यू ठीक है फिर है वाटर इक्वलेंट ऑफ कैलोरी मीटर दिस इज स्मॉल डब्ल्यू देन राइज इन टेम्परेचर टी टू माइनस टीवन द वैल्यू ऑफ टी टू माइनस टीवन इज दिस आफ्टर दैट कूलिंग करेक्शन फ्यूज वायर करेक्शन एंड एसिड करेक्शन इनकी वैल्यूज हमें डायरेक्ट लिखनी है तो हो गया आपके पास कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू सॉरी ये एक्स uh, की वैल्यू है कोल सैंपल दिस इज कैपिटल डब्ल्यू दिस इज स्मॉल डब्ल्यू दिस इज टी टू माइनस टी वन कूलिंग करेक्शन फ्यूज वायर करेक्शन एंड एसिड करेक्शन अब हम वैल्यूज पुट करेंगे फाइव सिक्सटी प्लस ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ये कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हो गई टी टू माइनस टी वन डायरेक्ट लिख दिया टू पॉइंट फोर एट फिर कूलिंग करेक्शन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एसिड प्लस फ्यूज वायर करेक्शन वो हमने यहां लिख दिया और मास ऑफ कोल सैंपल विच इज एक्स वो हमने यहां लिख दिया अब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हायर कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आएगी एट जीरो जीरो सिक्स पॉइंट फोर एट कैलोरी पर ग्राम ठीक है फिर आता है वेट ऑफ हाइड्रोजन गिवन फाइव परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना आपके पास में हाइड्रोजन का परसेंटेज है एलसी वी विच इज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू वट इज दी फॉर्मूला एच सी वी माइनस पॉइंट जीरो नाइन एच इंटू फाइव एटी सेवन तो नाइन अपॉन हंड्रेड इंटू फाइव परसेंट लिख दिया यहां पर ठीक है अब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये आएगा टू फोर सेवन पॉइंट फाइव इसको माइनस कर देंगे किसमें से हायर कैलोरीफिक वैल्यू में से तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी ये ठीक है तो ये हो गई आपकी कैलोरी पर ग्राम आंसर किलो कैलोरी में देना है तो आप लिख देंगे सेवन सेवन फाइव एट पॉइंट नाइन एट किलो कैलोरी पर किलोग्राम सो नाउ यू आर हैविंग आंसर फर्स्ट वन दिस इज दी हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड दिस इज दी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू तो डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करके आप आंसर ले सकते हैं बट यू शुड रिमेंबर दैट टी टू माइनस टी वन अलग से भी मिल सकता है टी टू अलग दिया हुआ हो सकता है फाइनल टेम्परेचर और टी वन इनिशियल टेम्परेचर तो दोनों को लिख के माइनस करके फिर आप यहां लिखेंगे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो आपने डायरेक्ट टू पॉइंट फोर एट ले लिया बाकी ये मास ऑफ कोल सैंपल क्या है एक्स की वैल्यू है ये यहाँ पर ठीक है और कैपिटल डब्ल्यू वाटर की स्मॉल डब्ल्यू वाटर इक्वलेंट की बाकी सब तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है और उससे आपका ये आंसर आ जाएगा So, I think uh, it is clear to you that how you have to solve this numerical. So, go through it, and if you are having any problem, then you can comment me. Thank you.